नाव में जाएगा ना तो स्कूटर से नहीं जा सकता है। अच्छा, नाव से जाना पड़ेगा। नाव से जाने का 2 साल के बाद वहाँ नजदीक ही नजर आ रहा है। चलो स्टार्ट। भैया अंदर कौन है? अंदर कृपया ध्यान दीजिए, असुविधा के लिए खेद है। हम हैं अभी द्वारका में। बात यह है कि 1 जनवरी 2021 तक ऐसी खबर, अंदरूनी खबर मुझे मिली है कि वैक्सीन आने वाली है। वैक्सीन आ जाएगी तो टेंशन फ्री होके हम घूम सकेंगे। गुजरात हमें सेफ नज़र आ रहा है, इसलिए हम गुजरात में रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा रुक रुक के चलें, सस्ते होटल में थोड़ा 2-3 दिन ठहर लें और अच्छे से एक्सप्लोर करें, घूमें। जब एक बार गुजरात आएँ तो अच्छे से घूमें। तो आज हम लोग जा रहे हैं ओखा पोर्ट बंदरगाह। भाई समुंदर के रास्ते से दूसरे द्वीप पर जाना है और 12 बज रहे हैं। वहाँ जाने के लिए 1 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है हमारा मैप, गूगल मैप। दूसरे द्वीप पर जाकर जहाँ पे कृष्ण जी की नगरी जो पानी में समा गई थी, वहाँ हम जा रहे हैं आज। जय श्री कृष्ण। सीधा गाड़ी पे। यहाँ पे अभी खाए हमने फल और इन्होंने कहा कि भैया जाओ। देखो यार, ऐसा रिश्ता हो गया, बताओ। मैं बोल रहा नहीं, पैसे तो मैं दूंगा लेकिन शाम को आके देता हूँ, क्योंकि मेरे को शाम हो जाने वाली है। आज हम लोग जा रहे हैं BET द्वारका लिखा हुआ है, ओखा पोर्ट बंदरगाह। 35 किलोमीटर है, 1 घंटा 19 मिनट बता रहा है। कौन सी बोट मिलेगी, उसका कितना पैसा भी निकालना है। वहाँ पे बोट वाले का तो पैसे तो मांगेगा ना बोट वाला। तो ATM देखते हैं। था कि उस द्वीप पे जाकर वहाँ पे होटल लेके रहूं और बैग सब लेके चलूं, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, आएंगे बढ़िया तरीके से घूमेंगे, वापस इधर आएंगे, क्योंकि कल अपने को निकलना है राइड पे। ये ब्रिज जो बनाया है रेलवे ट्रैक के ऊपर से ऐसे, फिर ऐसे पूरा ऐसा एस बनाया है, एस। अभी नीचे उतरा हूँ मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, उसके आगे रोड नहीं है। रामेश्वरम में जो आपने व्लॉग देखा था मेरा, कि रोड एंड है, सीधा श्रीलंका है भैया। तो ये भी वही सीन है, आगे रोड है ही नहीं, लोग जाते हैं एंड तक, वापस आना ही पड़ता है, वहां से कोई रास्ता ही नहीं है। जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना, कुछ बोल रहा होता तो लोग बहुत हैरानी से देखते हैं, क्योंकि भाई मैं हाथ भी ला रहा होता हूँ। गुजरात में ना आपको जगह जगह पुलिस चेक पोस्ट नजर आ जाएंगे, बहुत जगह। मतलब एक शहर छोड़ा आपने, दूसरे शहर में एंट्री ली, चेक पोस्ट चेक पोस्ट चेक पोस्ट। बादशाह अंदर भी तो जगह थी नहीं, मुझे तो वहीं बैठना है। बचपन में होता ना पैडल रिक्शा पे, मैं तो पीछे की तरफ मुंह करके ही बैठूंगा। बहुत बड़ी बड़ी नावें खड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स, शायद मैंने गोवा में देखी थी। ये सब लोग तो घूम के आ रहे हैं, मतलब यहीं से राइड बता रहा है। भाई ये नाव से लेकर जाते हैं क्या? ये वही जगह है? अच्छा, यहाँ यही पार्किंग हो जाएगी। सही है भाई, ऐसे ज्यादा दूर नहीं है। वो जो टापू है छोटा सा, वो नजदीक दिख तो रहा है यहाँ से। तो स्कूटर से नहीं जा सकता है? अच्छा, नाव से जाना पड़ेगा। नाव से जाने का 2 साल के बाद। हाँ, स्कूटर से जाना पड़ेगा 2 साल के बाद। दो साल मतलब क्या? ब्रिज बन जाएगा? वो बन रहा है। अच्छा, बन रहा है, बन रहा है। बहुत बढ़िया। 2 साल के बाद तो कहाँ से मिलेगा नाव? आगे यहीं से जाना है। टिकट वगैरह? बोट में डायरेक्ट। डायरेक्ट लुटना जाए आज। मैं पहुंच गया बेट द्वारका। अभी 1 बजे मंदिर बंद होगा, 5 बजे खुलेगा, लेकिन मेरे को जल्दी आना पड़ेगा। हो सकता है मैं बाहर से दर्शन कर लूँगा ना भैया। कैंटीन वाले भैया हैं यहाँ पे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा हेलमेट रखवा दो, तो हेलमेट रख दिया उन्होंने। अच्छा काम हो गया। अभी जैसी बोट भरती है वैसी बोट निकल जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि शाम को 6 बजे से पहले आ जाना, नहीं तो मैं कैंटीन बंद कर दूंगा भाई, है ना माजी। बोट के अंदर तो मैं आ गया हूँ। अभी सीन ऐसा है कि 20 रुपए चार्ज है यहाँ से जाना और 20 रुपए चार्ज है वहां से आना। जैसी बोट भरेगा वैसी बोट छूटेगा, बिना भरे बोट नहीं छूटने वाला। मंदिर खुलेगा 5 बजे, 5 बजे तक रुक सकते हो, नहीं रुके तो कोई बात नहीं, वापस भी आ सकते हो। सामान यही रखा हुआ है भाई मेरा, तो बोट में मैं खड़ा हूँ। ये देख रहे हो आप, पुराने जमाने में ऐसे किया करते थे। तो हम जा रहे हैं बेट द्वारका बोला करते हैं, जगह का नाम है। मतलब गूगल मैप पे आप लोग डालोगे ना बेट द्वारका, BET द्वारका, तो आपको सीधा वो गूगल मैप यहीं लेके आएगा। मेरे को लगा थोड़ा 50-60 रुपये चार्ज, और 20 रुपीज़ ओनली यहाँ से वहाँ जाने के लिए। तो मुझे 5 बजे से पहले इसलिए आना पड़ेगा भाई, शायद मैं दर्शन ना कर पाऊँ।
क्योंकि मेरा हेलमेट रखा हुआ, अभी हेलमेट को लेके घूमना, उसके बाद हाँ ये बैग भी है मेरा, इसको भी लेके घूमना, साथ में ये स्टिक और कैमरा ना, बहुत देखते हैं अभी क्या होता है, पहुंचेंगे तो ये चिड़िया क्या कर रही है भाई, या तो वो हवा में पकड़ लेगी, हवा में नहीं पकड़ा गया तो वो पानी में जैसी गिरता है वो दाना, ये पक्षी का दाना है, ऊपर उड़ाओगे कैच करेगी, बढ़िया मजा आएगा। हेलो, हम ही नहीं देख के मजा ले रहे हैं भैया, अंदर कौन है, अंदर 40,000 लोग हैं, मतलब देखने तो देखने देख लो। आप लोग कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद। पक्षियों का खेल तो हो गया, बहुत ही अलग ही, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पक्षी है, या आप लोगों को किसी को पता होगा जो यहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अभी बोट भरेगी उसके बाद निकलेंगे। बोट में केबिन भी है बैठ के जाने के लिए, इसका टिकट थोड़ा ज्यादा होता होगा क्या? उस बोट में बहुत टाइम हो रहा था, अभी वो अपने को लेके जाएगा जल्दी, अपन पहले ही भाग के बैठ गए भाई आगे, छोटा बोट है जल्दी जाएगा भी, जल्दी लाएगा भी मेरे को। नजदीक ही नजर आ रहा है, अभी चले हुए सिर्फ 5 मिनट हुए, तो 5 मिनट और 10 मिनट की दूरी के लिए 3 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई मेरे को नहीं चलना है यूट्यूब में, बोल दो। नहीं, बहुत कॉमेडी डायलॉग मारा भाई ने, बंदे ने डायलॉग मारा, हमारे कमांडो हमारे कमांडो इतने खतरनाक है, पत्ता हिलने से पहले ठुक डालते। पीछे एक बंदा मेरे को बोल रहा था कि भाई तुम पहुंच जाओगे 5 बजे तक, रुक जाओ भाई, सारे लोग रुके हुए हैं, जब 5 बजे तक सब रुक के निकलेंगे तो भीड़ के साथ बोट भरेगी और पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता भाई, मैं अकेला हूँ, अगर उसने कैंटीन बंद कर दी और बहुत सीन हो जाएगा, कल का भी लग जाएगा, यहाँ से द्वारका तक जाना 1.5 घंटा रात का समय, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँगा, पावन धाम के दर्शन लेते हैं, बहुत ही बढ़िया धाम बना, आप लोग कृष्ण जी को बहुत मानते हो, कृष्ण जी की आराधना करते हो, आरती करते हो, पूजा करते हो, तो ये आज का जो व्लॉग होने वाला है ये स्पेशल फॉर कृष्ण जी, कृष्ण जी और राधा, मजाक मस्ती राइड वगैरह सब होती है, लेकिन द्वारका में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे कृष्ण जी की इतनी बड़ी सोने की द्वारका जो है ना भाई, कृष्ण जी की नगरी, उसमें आप लोगों ने इतना खूबसूरत हर भगवान कृष्ण जी के हर चीज़ को दर्शाया गया है यहाँ पे, और इतना मतलब ये देखिए ना, ये मेरे को बहुत एक एंड में सबसे पूरा घूमने के बाद पूरे दर्शन लेने के बाद, जैसे जैसे मैंने आप लोगों को पूरे दर्शन कराए उसके बाद एंड में, इस जगह का नाम है पावन धाम। हर एक यूट्यूबर के लिए सबसे अच्छा सपना क्या होता है कि सपना आता है अपने को, हर यूट्यूबर को एक सपना आता है, मतलब क्या आता होगा, ये फर्स्ट फ्लोर है भाई, बाप रे बाप, पूरी कहानी यहाँ दर्शाई गई है कृष्ण जी की। सबसे अच्छा सपना एक यूट्यूबर को ये आता है कि सामने वाला खुद होके बोले, शूटिंग करनी है शूटिंग, फ़ोन लेके जाओ, कैमरा लेके जाओ, शूटिंग निकालो, तुम निकालो ज़बरदस्ती, तो ये मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है, लोग बोल रहे हैं शूटिंग निकालनी है, भाई तू जा कैमरा लेके, पहली बार ज़िंदगी में जब से मैं यूट्यूब पर हूँ पहली बार कोई बोल रहा है शूटिंग निकालनी, जाओ यार, ऐसा अगर हर जगह हो जाए मज़ा नहीं आ जाए।
कृष्ण जी के बारे में आप कितना जानना चाहेंगे? आपको हर चीज पूरा ज्ञान, मतलब आपका जो ज्ञान है जितना आप लोगों ने लिया है आज तक यहाँ पे आके, आपका सब ज्ञान ताजा हो जाएगा। मतलब मैं कितना भी दिखा लूं उतना कम है। लाल बादशाह भैया, धार्मिक जगहों पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स वाले होते हैं वो टाइम पास कैसे करेंगे बताइए? हाय, मैं अमिताभ बच्चन, जा खड़ा हो तो लाइन वहीं से शुरू होती है। सही किया एक्टिंग। तो ये जैसा कि मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे सामान आने का जरिया जो है वो भी पानी के रास्ते ही है। पानी के रास्ते से ही सामान आता है सबके घरों में, राशन पानी जो भी है दुकानों का। लेकिन एक बात और है कि 2 साल के अंदर यहाँ पे एक ब्रिज बनने वाला है, तो आप बाई रोड भी यहाँ तक आ सकते हैं। वो ब्रिज का निर्माण अभी चल रहा है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो दर्शन लेके घूम के पूरा निकल के आ गया मैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। 4 बज गए हैं और अभी तक मैं वहां पे होता 5 बज रहे होते। मन तो बहुत था, लेकिन वो होटल वाले ने मेरे को डरा दिया कि भाई अगर मैं बंद करके चला गया तो हेलमेट आज नहीं कल मिलेगा। अब मैं बोल रहा यार, एक हेलमेट की वजह से मैं पूरा का पूरा दिन यहाँ पे रुकना, वापिस जाना। कल तो मैं बोला यार चलो जल्दी चलते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम राउंड लगेगा तो आएंगे। बाप रे, कितनी बड़ी बड़ी बोट्स खड़ी है भाई, कमाल का ही नज़ारा है भाइयों। आप लोग जैसे मेरे सामने देख पा रहे हैं, मतलब मैं सुबह जाते समय इतना खुश हो गया था ना देख के। लेफ्ट में पानी है, राइट में पानी है, ब्रिज जा रहा है पूरा एस डायरेक्शन में, और सामने आप लोगों को पोर्ट नज़र आ रहा होगा जहाँ पे बहुत सारी नावें खड़ी हैं। कुछ एक छोटा सा आर्मी टाइप का कुछ बेस सा बना रखा है जिसमें आर्मी वाले लोगों ने, तो मैं उसके आसपास मैं कुछ ज़्यादा शूट वगैरह कर नहीं रहा हूँ। लेकिन ये नज़ारा देखो यार, कमाल का ही दिख रहा है। और अभी निकल चुका हूँ मैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि मुझे करनी है बहुत ज़्यादा पैकिंग। होटल के अंदर सारा का सारा सामान जितना भी मैं लाया था भाई, सब खोल के पटका हुआ है, क्योंकि मुझे 4 दिन हो चुके हैं द्वारका में। एक छोटी से छोटी चीज़, एक मोबाइल की कॉर्ड भी अगर भूल गया तो मुझे मेरी शूट में और मेरे सब में दिक्कत आ जाएगी। तो मैं जा रहा हूँ जल्दी से होटल और सारा सामान पैक करता हूँ, और उसके बाद ही चैन की सांस मैं लूँगा। तो यार फाइनली गुजरात टूर का एंड होने वाला है, गुजरात टूर का एंड हो चुका है। अभी बस होटल में जाके तैयारी करनी है और सुबह निकलना है मुझे। इतना करने के बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं भूल गया हूँ या जिन्हें मैंने देखा नहीं है। गुजरात फिर आएंगे, ये देखिए, देख रहे हो, इसे कहते हैं कनेक्शन, प्यार। एक पैकेट छाछ। अंकल प्लास्टिक का ग्लास दे दो। अच्छा अंकल जी, कल जा रहे हैं हम, फिर कभी आएंगे तो मिलेंगे आपसे। यहाँ से हम जाएंगे कल जामनगर। तो आ गए भैया अपने होटल रूम में। वो फल वाले भैया तो ऐसे हो गए थे कि जैसे मतलब अभी बस रो देने का, गले मिल के रो देने का। मैंने बोला कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल, अभी फिर आएंगे हम जिंदगी में, ऐसा थोड़ी है दोबारा मिलेंगे। देखो देश के हर कोने में कहाँ कहाँ मैंने रिश्ता बनाया, रिलेशन बनाया। मैं आज रामेश्वरम चला जाऊँ ना भाई, स्वागत होगा। मैं आज रांची चला जाऊँ ना भाई, स्वागत होगा। और हमारे सब्सक्राइबर तो बैठे हैं स्वागत करने के लिए। सुबह से जब से निकला हूँ मैंने पानी नहीं पिया, 3 गिलास नींबू सोडा पिया मैंने, पर उससे प्यास बुझी नहीं, प्यास और लग गई। पानी की प्यास तो पानी ही बुझा सकता है। तो अगर आज की व्लॉग, आज का जो व्लॉग था बेट द्वार बिट बीट 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 द्वारका, बीट द्वारका बोला जाता है, गूगल मैप पे भी आपको बीट द्वारका डालना पड़ेगा। बीट द्वारका डालेंगे तो आपको बराबर गूगल मैप वहीं पे लेके जाएगा जहाँ आपको जाना है, और वहाँ से आपको नाव मिलेगी। लेकिन नाव वाले का सिस्टम ऐसा कि जब तक वो भरती नहीं तो वो चलता नहीं है। भर के चलेगी वहाँ पहुँचेंगे 12:30 से पहले, और 5 बजे के बाद ही जाना, तो ये आपको दर्शन मिलेंगे बेट बीट बीट द्वारका के। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, और मिलते जल्दी ऐसी किसी बहुत प्यारे से व्लॉग में। कभी भी जिंदगी में राइड करो ना, चाहे वो 100 किलोमीटर की राइड करो, पानी बहुत पीना भाई, मैं पीता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे मुँह में मतलब हमेशा ऐसा लगता है सूखा सूखा पानी की कमी हो रही है।
पानी की प्यास तो पानी ही बुझा सकता है। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और हमेशा की तरह राधे राधे। मिलते हैं आने वाले व्लॉग में, यानी कि कल के व्लॉग में जामनगर। और एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आप सभी से, जनवरी के पहले ही हफ्ते तक बस कहीं से खबर आई है कि वैक्सीन आ जाएगी, और बहुत ही केस ना के बराबर। नया साल लगते शायद नया साल अच्छा हो, कुछ नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि 2020 के शुरुआत में मैंने कुछ बोल दिया था पर वो हुआ नहीं भाई, कुछ अलग ही दुनिया हो गई। तो मैं इस बार कुछ नहीं बोलूँगा, चुपचाप 2021 को आने दो। तो तब तक मैं गुजरात में रहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गुजरात में ही रहूँ। मेरे घर वालों ने भी मुझे गुजरात में ही रोक के रखा है कि जनवरी लगने दे बस, और उसके बाद तू एंट्री मार स्टेट पे स्टेट, स्टेट पे स्टेट। तब तक के लिए असुविधा के लिए खेद है। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं डेली ब्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन मैं एक दिन रेस्ट ले रहा हूँ, एक दिन राइड कर रहा हूँ। मैं खुद 440 रुपये के रूम में रुका हुआ हूँ, आप लोग समझ रहे हो। खाना भी मैं बाहर से गिन चुन कर लाता हूँ, गिन चुन कर मतलब 50-60। सुबह से मैंने 3 ग्लास नींबू सोडा पिया है और 1 केला खाया भाई, और कुछ नहीं। अभी शाम के ना 4:30 बजने वाले होंगे, 5 बज गए होंगे, कुछ नहीं भाई, सिर्फ रात को ही खाना कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न बस इतना ही है, 1 जनवरी लगने दो, नया साल बस आने ही वाला है। और उसके बाद मैं खुद चाहता हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग अपलोड करूँ, और हमारी जर्नी को फिर मैं स्पीड दूँ, रफ्तार दूँ। शब बख़ैर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।